بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وعن أمار بن ياسر رضي الله عنه قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، الإنساف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق عند الإقطار. رواه البخاري معلقا وغيره موصولا. محترم ومكرم नाजरीन किराम आज की इस नशिस के अंदर मैं जिस मौजू के ऊपर गुफ्तु करूँगा वो है अपने साथ इंसाफ़ कीजिए मोहतरम नाज़रीन किराम हमारे ऊपर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम जैसी अजीम नमत अदा की है और ईमान जैसी नमत से सरफराज फरमाया है ये ईमान और इस्लाम ये दावा नहीं है बल्कि ईमान बहुत ज़्यादा हदूद वराइज़ और, और सुनन का नाम है सिर्फ जुबान से कह देना कि मैं मोमिन हूँ ये काफ़ी नहीं है बहुत ज़रूरी है कि हम ईमान लाने के बाद तमाम उन चीज़ों के ऊपर अमल करें जिनकी वजह से ईमान मुकम्मल होता है उन चीज़ों में से एक कुछ चीज़ें जो हैं जो मैंने आपके सामने असर बयान किया है सैद नामार बिन यासर उतारानों का उसमें मौजूद है सैद नामार बिन यासर रजील्ला फरमाते हैं कि तीन चीज़ें जिस बंदे के अंदर जमा हो गई तो उसके अंदर ईमान जमा हो गया ये बात सैद ना अमार बिन यासर रजरतन अपनी तरफ़ से नहीं कह सकते इस ये जहरी बात है कि ये बात रसूल सल्ला वम ने ही फरमाई होगी क्योंकि कोई से सभी ऐसी बात अपनी तरफ से नहीं कह सकता तो इसलिए सैद ना अमार बिन यासर रजरतन कहते हैं कि तीन चीज़ें जिस शख्स के अंदर जमा होगी उसके अंदर ईमान जमा हो गया देखने को और बोलने को तो सैद न अम्मार बिन यासर ने तीन लफज तीन जुमले बोले हैं लेकिन ये तीन जुमले इस कदर अजीम हैं जिनकी अगर वजाहत की जाए तो बहुत सारा वक्त जो है वह दरकार है और इन तीन जुमलों के ऊपर अगर कोई इंसान अमल कर ले तो उसकी दुनिया भी बेहतर हो सकती है और उसकी आख़रत भी बेहतर हो सकती है इसी फरमाया कि तीन चीज़ें जिस बंदे के अंदर जमा हो गई उसके अंदर ईमान जमा हो गया पहली चीज़ जो सबसे गौर तलब चीज़ है जिसके अंदर हम में से हर इंसान जो है वो कुताही करता है वो ये है कि अंसाफ मन कि हम अपने साथ इंसाफ़ करें इंसान अपने साथ इंसाफ़ करे इंसान जब भी कोई कुताही करता है कोई गुनाह करता है कोई ज़्यादी करता है तो अपने ऊपर जुल्म कर रहा होता है तो अपने साथ इंसाफ़ क्या है अपने साथ इंसाफ ये है कि इंसान अल्लाह ताला के तमाम हुकूक को बजा लाए अल्लाह के हुकूक जो है उनके ऊपर मुतवज्जे हो और जिस चीज़ का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है जिस चीज़ की तरफ वसल्लम ने दावत दी है हम उसके ऊपर अमल करें और जिस चीज़ से अल्लाह और उसके रसूल ने रोका है उससे रुक जाए ये हमारा जो है वो अपने साथ इंसाफ है ये हम जो है अपने साथ इंसाफ करेंगे अगर हम शरीयत की खिलाफ वर्जी करते हैं रसूलुल्लाह वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के उल्ट चलते हैं अल्लाह सजल के फरमान की जो है वो तामील करने की बजाय अल्लाह सजल के फर की मखालफत करते हैं तो समझ लीजिए हम अपने ऊपर जो है वो जुल्म कर रहे हैं और कोई भी जो गुनाह है ना वो इंसान अपने ऊपर जुल्म करता है किसी और को उसका कोई नुकसान नहीं है इंसान को ख़ुद जो है वो उसका नुकसान है इसीलिए अल्लाह लिए अलाजल ने क़ुरान करीम में फरमाया والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الله فرماتے ہیں वो लोग जब उनसे कोई बुरा काम हो जाता है कोई बेहयाई हो जाती है मोमिन और मुत्तकी परहेजगार लोग वो होते हैं उनसे अगर कोई बुरा काम हो गया उनसे कोई गुनाह हो गया कोई जुल्म हो गया, कोई ज़्यादी होगी तो वो उसके ऊपर इसरार नहीं करते बल्कि क्या करते, है? यहां पे लए 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 करते हैं वल्लीन इजाफा फ़ाहिशतन हिशता ज़लमू याफ़ुसम जक़ारुल्ला यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह ने जिक्र किया ज़लमू सब तो इसका मतलब ये है कि हर गुनाह जो है वो इंसान अपने ऊपर जुल्म करता है वो अपने आप के ऊपर जुल्म करता है। इसलिए आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इंसान अपनी ज़ात के साथ इंसाफ करे अपने साथ जुल्म नहीं करे ज़लमानफुसम ज़करुल्लाह वो अल्लाह का जिक्र करते हैं वफ़रुरी जुनूब हिम और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं वह मैं फिर अल्लाह के अलावा कोई ऐसी ज़ात नहीं है जो इंसान के गुनाहों को माफ़ करने वाली इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला तुन कहा कि ऐ अल्लाह के नबी वसलम अलमनी दुआ अन अदउ बिही फी सलाती मुझे कोई ऐसी दुआ सिखा दीजिए मैं नमाज में वो पढ़ा करूँ तो रसूलुल्लाह रसूल ने बहुत अजीम दुआ सिखाई आपने फरमाया कि तू नमाज़ में ये दुआ पढ़ा कर अल्लाह में इन्नी ता नफसी ऐसी वजाय फिर जनों भाई फौ मिन मऊ व इन्ना का अंतल फूर इसका माना क्या है कि अल्लाह मैंने अपने, अपने नफस के ऊपर किया है हर गुनाह जो होता है वो इंसान अपने नफस के ऊपर करता है अपने साथ बेइंसाफी कर रहा होता है अपने साथ ज्याती कर रहा होता है अल्लाह मैंने अपने ऊपर किया है इन्नी त नफसी फिरली मगफ़िर तमिनद कबर हम नहीं कांतलफ़ुरहिम अल्लाह ये जो मैंने म्म किया है ये मैंने गुना किया है अपनी ज़ात के ऊपर ज्यादी की है इन्नी ता नफसी कसरम बहुत ज़्यादा ओगे अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे तेरे अलावा कोई मुआफ़ करने वाला नहीं ये है कि इंसान अपनी ज़ात के साथ जो है वो इंसाफ़ करे और अपने आप से जुल्म को दूर करे तो इसलिए जो सबसे पहली और बुनियादी चीज़ है सही नामारियासर जतन के असर के अंदर उसमें यह है कि अलसाफो मन नफसिक के इंसान अपनी ज़ात के साथ इंसाफ़ करे अपने ऊपर जुल्म ना करे गुनाहों से अपने आप को दूर रखे अपने आप को गुनाहों से बचा करके और दूसरी चीज़ जो इस असर के अंदर बयान हुई है वो भी बहुत कीमती चीज़ है इसके बारे में सई नामार बिन यासर रज़ी तरमाते हैं कि आलम के इंसान इन, जो है जो चाहता है कि उसका ईमान मुकम्मल हो वो पक्का मोमिन हो जाए उसके ईमान के अंदर किसी तरह की कोई कमी और नक्स ना रहे वो सलाम को आम करे लोगों तक सलाम को फैला दे लोगों तक सलाम को पहुँचा दे इसीलिए जब रसूल वसम से पूछा गया कि अयलम खैर के नबीम ये कौन सा इस्लाम जो सबसे बेहतर इस्लाम है तो आप सल्हस ने फ़रमाया अन तो व तक्रमन तारिफ़ कि आप लोगों को खाना खिलाएँ और उसको भी सलाम कहें जिसको आप जानते हैं और उसको भी सलाम कहें जिसको आप जानते नहीं इसीलिए अल्लाह अलाजल ने हमें हुक्म दिया है कि हम अगर अपने घरों के अंदर भी दाखिल होते हैं तो वहाँ पर भी सलाम कहें अल्लाह जवजल फरमाते हैं फ़ैदा दल तुम फ़सल नमो फसल नमो मुबाक चंग्ला फ़रमाते हैं जब तुम अपने घरों के अंदर दाखिल हो तो उस वक्त भी तुम अपने ऊपर सलाम भेजो अपने अहलोयाल के ऊपर सलाम भेजो और याद रखिए सलाम जो है ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है जिसके हवाले से अल्लाह फरमाते हैं वे फू बन मिंग फू बे अहसन मिंग और मैं जब तुम्हें कोई सलाम कहे तुम्हें तुम तोहफ़ा दिए जाओ तो तुम जो है वो उससे बेहतरीन तोहफ़ा जो है वो वापस लुटाओ क्यों उसकी वजह यह है कि जब इंसान तोहफा देता है तो तोहफे से मोहब्बत बढ़ती है और तुम जो है वो उससे बेहतरीन तोहफा दो और इस आयत की तफसीर में मुफ़रीन और सलफ़ जो है वो ये कहते हैं कि यहाँ पे तोहफ़ा से मुराद जो है वो सलाम कहना है कोई इंसान एक दफ़ा कहता है अल्लाम आलकम रहमतुल्लाह एक बंदा आपको कहता है अस्सलाम वालेकुम आप जवाब में कहें वालेकुम व वरम्ह उसके ऊपर इजाफ़ा करके जो है वो जवाब दें कोई इंसान कहता है वालेकुम आप वालेकुम सलाम व वालेकलम व बरकातहू ये थी दूसरी चीज़ जो इस असर के अंदर मौजूद थी और तीसरी चीज़ जिसकी तरफ से नाबार बिन यासर रजी अल्लाह इशारा किया है जो बहुत ही अजीम जो है वो चीज़ है वो ये है केवल इन फाक़ो इंदल इकतार के इंसान उस वक़्त खर्च करे जब इंसान को ख़ुद ज़रूरत है जो इंसान उस वक्त खर्च करता है जब इंसान को ख़ुद ज़रूरत होती है तो समझ लीजिए कि वो इंसान ईमान के आला मुकाम के ऊपर जो है वो मौजूद है ईमान के आला मुकाम के ऊपर फ़ायक है और उसके पास जो तोल का दर्जा है ना वो बहुत बड़ा है वो तोल के आला जो दर्जात हैं आला जो मुक़ाम है उसके ऊपर जो है वो फाइक है तो इसलिए हमें चाहिए कि अब हम जो है वो लोगों का ख्याल रखें और ये जो चीज़ें जो इस असर के अंदर बयान हुई हैं जिसमें हमारे ईमान का पता चलता है जिससे हमारा ईमान मुकम्मल होता है हम इन चीज़ों के ऊपर चलें और अपने ईमान को मुकम्मल करने की कोशिश करें अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे और बाद में आपको हम सब को कुरान सुन्नत के ऊपर अमल करने की फरमाए व फ़रमाएँ अला नबीना अला वसम व वसाबी अजमा هل لك سر عند الله بينك انت وبين الله